तो हेलो गाइस, तो हम लोग आए ये हुए हैं झारखंड, झारखंड मुरकुंडा में। तो मैं घूमने के लिए आया हूँ बहुत समय के बाद में। तो फिर आज हम लोग रामनवमी घूमने जाने वाले हैं मुरकुंडा। तो आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत सारे सीन आज, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो बने रहिएगा और आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कुछ छोटे छोटे सीन। तो आज मैं घूमने के लिए आया हूँ झारखंड का गुमला जिला। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे जगहों पर दिखाऊंगा जो कि जहाँ पे इंसानों को जलाया जाता है, यानी मृत इंसान को, जिंदा को नहीं। मैं उसका दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं उसका, जो कि लेके आता है और यहाँ पे फेंक देते हैं, इसे गंदा करके छोड़ देते हैं। उसको अच्छा से जलाया नहीं जाता है, मतलब इंसान को नहीं, उसका जो लकड़ी होता है उसे अच्छा से नहीं जलाया जाता, इंसान को जलाया जाता है, इधर लकड़ी को छोड़ दिया जाता है। तो ये शमशान घाट है हमारे जो सामने जो दिख रहा है, और वो जो घर बना हुआ दिख रहा है, वो जैसे कि कभी कभी पानी आ जाते हैं, किसी को जलाते हैं उस समय पे, तो फिर वो लोग वहाँ पर जाके बसते हैं। उसके लिए इधर बहुत ज़्यादा सुविधा है, मुझे तो देख के लग रहा है। और तालाब भी इधर के सामने ही, और एक छोटा सा बरसा नदी है ये रहा। तो ये एक छोटा सा तालाब है, तो इसमें हम कभी नहाने के लिए आएंगे कुछ समय के बाद में। तो आप लोग अगर ब्लॉग पे बने रहेंगे तो फिर आप देख पाएंगे। तो छोटा से ब्रेक के बाद में मिलते हैं हम लोग। तो ये फरसा पुल है जो कि सरस्वती पूजा और बहुत सारे पूजा में लगता है, और इससे रंग भी बनता है। नहीं मामा, तो ये है हमारा मामा जी का घर। और ये देखिए, इधर का माटी कुछ ऐसा कलर का होता है, ईटा कलर का, लाल मिट्टी, झारखंड का लाल मिट्टी। नहीं, फूल गोभी है मामा की, पत्ता गोभी। तो ये है पत्ता गोभी, कितने रुपए गोटा है मामा पत्ता गोभी? एक ठो 2 रुपए पीस, बाजार में उतना ही बेचा ला, 2 रुपए में भी नहीं बिक्री वाला। तो ये है पत्ता गोभी जो कि 2 रुपये बिक्री होता है इधर में, पर उसमें भी कोई नहीं लेता है पत्ता गोभी। तो आप लोग के घर तब कितने है प्राइस पत्ता गोभी का, कमेंट करके बताइएगा। ये लहसुन है इधर वाला, और इधर वाला प्याज है। तो पानी भर। अनार, एप्पल, कनेपल, एप्पल, छोटे छोटे संतला, संतरा, नींबू, अमरूद, नींबू, पपीता, पपाया, एलोवेरा। तो ये रहा खेत। और ये है लाल मिट्टी। झंडा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, सदर बाद में झंडा लगाएंगे। हुआ रहा बांस।
बाय। दाएं मामा जल्दी आओ। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं रामनवमी का मेला घूमने के लिए। तो मेरे मामा जी हैं, उनके साथ में जा रहे हैं। तो और मौसम भी अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है, मेला घूम पाते हैं कि नहीं। पीछे पीछे जाओ गाड़ी संगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आगे थोड़ा हनुमान मंदिर के सामने। तो मामा जी थोड़ा रेपका बजाएंगे, ढुमका तासा तासा बोलते हैं रेपका को इधर। चलिए फिर आगे। हाँ मामा समोसा खा। तो अभी हम लोग समोसा खाएंगे, दिन भर खाते पीते रहते हैं। नहीं मामा कैसे करेंगे मामा समोसा? 5 रुपये पीस, 1 पीस समोसा 5 रुपये, तो 2 पीस यानी कि 10 रुपये। 10, 20, 30, 40, 50। हाँ साफ है कि गंदा दिखा तो साफ है। नहीं टूटी ये कौन सा मंदिर है? भगवान का 5 है। भगवान पहले उतर पहले मतलब पाँव कर दी साले मामा। देखिए जब लेखन तो अभी
देखने जाएंगे। तो ये रहा समोसा, बस पानी उतरे रील्स कर चक्कर में सब चौपट हो गए। दस बनी मामा सब्जी संगे दो समोसा नी, तो 10 रुपये 2 समोसा और हमारे तरफ 1 समोसा 10 रुपये हो चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे भगवान पंच का दर्शन करने। सदियों पुरानी बातें हैं कि यहाँ पे, तो मेरे मामा जी कहानी बताएंगे सदियों पुरानी बात। मामा हाँ बता दी तभी आप। हम बोले सदियों पुरानी कहानी है, यानी जो हुआ था घटित हुआ था पहले यहाँ पे, ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आदिवासी लोग काटने के लिए आते थे और यहाँ पे भगवान लोग इंसान का रूप लेकर और यहाँ उतरते थे देखने के लिए, और उसी टाइम यहाँ पे अपना पैर का निशान छोड़ गए हैं। ये दिखाने वाले हैं किस्मत आजमाए जान रहे, किस्मत अजमान जाए तो पत्थर में अड़ गला भाग्यशाली है गिर के नहीं चाहिए वो राखबे वो दून गिर गए देख ले चल चल हमें भी किस्मत अजमाए चल जब कर किस्मत अजमाए चलो अच्छा फिर रखो वो नीचे करके खबर रखबे सेल्फी लेने में बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये थोड़ा ऊपर में है और बाकी जब जमीन है वो सब नीचे नीचे है। तो फिर ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।